नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाजिर है आपका दोस्त जीआर चौधरी फिर आपके लिए राजस्थान जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सीधी सी राजस्थान के लोक देवताओं की, और लोक देवताओं से कुछ लोक देवताओं की चर्चा हम करेंगे। राजस्थान के लोक देवता आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और वहां से हर बार देखने को सवाल मिलते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो आप, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम, जहां से राजस्थान जीके के सवाल आते वहां से राजस्थान के लोक देवता या लोक देवियों के सवाल आते। आज हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं की। राजस्थान के लोक देवता, ये अपना टॉपिक रहेगा लोक देवता, इसको हम पढ़ेंगे। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सबको पता होगा राजस्थान में एक कहावत है, राजस्थान में एक दोहा है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ये एक दोहा है, और इसी दोहे में हम पांच पीरों का जिक्र करते हैं। पहले पाबूजी का जिक्र आया है इस दोहे में। दूसरे जो पीर आए हैं पंच पीरों में से, पांच पीरों की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे पाबू हरबू, हरबू जी का जिक्र आया है। तीसरे पाबू हरबू रामदेव, ये तीसरे रामदेव जी का जिक्र आया है। चौथा मेहा जी का जिक्र आया है, और पांचवा है गोगा जी का जिक्र आया है। एक दोहे में पांच लोक देवताओं को पांच पीर कहा गया है, तो इन पांचों देवताओं को पांच पीर कहा जाता है। पांच लोक देवता है उनको पांच पीर कहा जाता है। पीर का मतलब होता है कि मुस्लिम धर्म के देवताओं को पीर कहा जाता है, और पांच हिंदू धर्म के ऐसे देवता है, लोक देवता है, जिनको मुस्लिम धर्म भी मानता है। इसलिए राजस्थान के पांच पीरों में से पांच पीरों का नाम है। एक बार सवाल आया था कि निम्न में से कौन सा पांच पीरों में से शामिल नहीं है, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, मेहा जी। उत्तर होगा आपको ढूंढना, तो पाबू जी, हरबू जी, रामदेव, मेहा और गोगा जी, इन लोक देवताओं को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो देवता है, आगे क्लास में, आज की जो क्लास है उसमें पाबू जी से स्टार्ट करते हैं। पाबू जी राठौड़, बाबूजी राठौड़ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाबूजी राठौड़ का आज हम डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में बाबूजी राठौड़ के बारे में क्या क्या बातें अपने को जाननी चाहिए, और कहां कहां से सवाल देखने को मिलते हैं। तो बाबूजी राठौड़ की मैं बात करूं, तो बाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो राजस्थान में राठौड़ वंश में हुआ, और राठौड़ वंश की यदि बात करूं तो राठौड़ जाति से लग रहा है राठौड़। तो राठौड़ों की देखे तो राजस्थान में तीन बड़ी रियासतें देखने को मिलती है राठौड़ों की, जहां राठौड़ों का वंश रहा। पहली है आपकी जोधपुर कह दो, दूसरी जोधपुर से निकलकर बीकानेर बनी, और जोधपुर से निकलकर एक रियासत बनी किशनगढ़। तो इन तीनों जगह आप राजस्थान हिस्ट्री में देखोगे तो तीन रियासतें देखी जाए तो राठौड़ों की रियासतें रही है। अब इन्हीं जो जोधपुर के राठौड़ थे, उन्हीं राजवंश में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाबूजी राठौड़। तो ये वास्तव में राजपरिवार से संबंधित थे पाबूजी राठौड़, और इनका जन्म जो है, एक जगह है इनका जन्म की मैं बात करूं तो थोड़ी सी कहानी याद रख लेना। जन्म है इनका कोलूमंड, पड़ता है फड़ौदी में, और फड़ौदी कहां है, खुद जोधपुर में, अब सबको पता है जोधपुर। इनका जन्म कहाँ हुआ, कोलूमंड में, फड़ौदी जोधपुर में पड़ता है, और इनका जन्म जो समय था वो था 1239 में। पहली बात ठीक है भाई, पहली बात जन्म कब हुआ। दूसरी बात हम देखें तो कई बार सवालों में पूछा जाता है कि इनके मम्मी पापा का क्या नाम था, तो पिता कौन थे, पिता का नाम था, पिता थे धांदल जी राठौड़। क्या नाम था, धांदल जी। और इनकी माता का जो नाम था, माता का नाम था वो था कमला दे। अब देखो दे क्यों लगाते हैं, आजकल देवी जो लिखते हैं, पुराने जमाने में इसको शॉर्ट नाम था दे, तो दे लगा दो या देवी, तो कमला दे इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम की बात करूं तो पत्नी का नाम, दो नाम आपको देखने को मिलते हैं किताबों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। पहला नाम है फूलम दे, ज्यादातर किताबों में फूलम दे नाम मिलता है, कई जगह इनका नाम सुप्यार कंवर भी मिलता है। दो नाम है ये अमरकोट, ये कहां की थी, अमरकोट की, अभी मैं कहानी सुनाऊंगा। अमरकोट
अमरकोट की सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सोडा परिवार हुआ राजपूतों का, तो सूरजमल सोडा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, और उसका नाम था फुलम दे, जिसका बाद में ससुराल में नाम चेंज करके, ससुराल पहुंची नहीं लेकिन प्यार से सुप्यार कंवर भी, जैसे घर का नाम होता है ना वैसे ही सुप्यार कंवर भी कहा जाता। तो दो नाम इनके थे। थोड़ा सा सामान्य सा परिचय इनके घोड़ी के नाम की बात करूं तो इसके पास घोड़ी जो थी, घोड़ी जो थी उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी का नाम, वैसे इनकी खुद की घोड़ी नहीं थी ये, एक महिला थी उनके गांव की, वैसे उनकी थी ये घोड़ी और उनका नाम था देवल चारणी। किसकी घोड़ी थी ये? देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक है, एक ये बात हुई। और मैं बात करूं तो इनके डिटेल आपको और पता चलेगा। तो इनके शिष्यों की बात करें, बाबूजी राठौड़ के शिष्य जो चेले चपाटे थे उनकी बात करें, तो शिष्य कौन कौन थे? शिष्य दो प्रसिद्ध शिष्य रहे इनके, शिष्य कह दो या सहयोगी कह दो। तो इनका नाम, एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डामा। दोनों कौन थे? भील जाति के थे। ठीक है भाई, मेले की बात करूं सामान्य से परिचय, तो मेले की बात करूं तो इनका जो मेला है वो कोलुमंड में चैत्र अमावस्या को लगता है। ठीक है, अमावस्या। इसके साथ चांदा और डामा के साथ साथ में उन्होंने उनसे रिलेटेड सात थोरी भाइयों को भी उन्होंने शरण दी थी। गुजरात के थे, थोरी भाई, थोरियों को शरण दी थी, सात थोरियों को शरण दी थी इन्होंने। निम्न जाति के थे, इनको इन्होंने शरण दी थी और उसके बाद में सम्मानजनक स्थान उनको दिलवाया था समाज में। कुछ कुछ हम देखे तो सामान्य सी चीजें जो है, जो याद करने वाली चीजें हैं, वो आपके बोर्ड पे है। इसके साथ यदि मेले के बाद में मैं बात करूं तो कुछ जो और याद करने वाली चीजें हैं वो ध्यानपूर्वक देखना आप। तो जो बाबूजी है, बाबूजी के जीवन पर, जीवन का हमें पता कैसे चलता है घटनाओं, तो बाबूजी की फड़े बोली जाती है। फड़े, वैसे फड़े होती है, फड़े, ये बाबूजी की फड़, फड़ सब जानते हो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाबूजी की फड़ कैसी होती है। तो बाबूजी की फड़ है वो भील भोपा बोलते हैं, भोपा जो होते हैं वो बोलते हैं, और इसमें जो वाद्य यंत्र बजता है वो रावण हत्ता है। हत्ता है। इसके अलावा बाबूजी के पावड़े भी प्रसिद्ध है। बाबूजी के पावड़े कह दो, कह इसके पवाड़े भी लिखा हुआ आता है। पावड़े का मतलब होता है उनके वीरता का जो बखान है। देखो फड़ जो होती है वो जीवन, जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की पूरा जीवन चक्र बताता है, वो होती है फड़। इसमें क्या होता है, कपड़े पर चित्र होते हैं, गाते हुए रावण हत्था बजाते हुए भोपा भोपी नाचते हुए बाबूजी के बारे में बताते हैं। और ये फड़ कब बात की जाती है, जब कोई ऊंट बीमार हो जाता है, क्योंकि बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। जबकि पवाड़े जो होते हैं वो वीरता का बखान करते हैं, और इसमें जो है ये वाद्य यंत्र होता है वो होता है माठ, ठे भी लिखा आता है माठ। दिखाऊंगा मैं माठवादी यंत्र भी अभी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो बाबूजी से रिलेटेड जो बातें हैं वो क्या है, बाबूजी को उपनाम कुछ दिए गए हैं। बाबूजी को किस नाम से जाना जाता है, तो उपनामों की मैं बात करूं तो उपनाम भी आपको याद रख लेना। ऊंट रक्षक देवता बाबूजी को कहा जाता है। दूसरा आपको याद रखना प्लेग रक्षक देवता, प्लेग बीमारी में भी इसको, इनको याद किया जाता है, प्लेग रक्षक देवता। तो भाई सारी सी कहानी ये आपके बोर्ड पर, ये मैंने छोटी सी कर दी, और ये आपकी स्क्रीन पे जो आपको डिटेल दिख रही है वो है बाबूजी की। थोड़ी सी डिटेल और लिख दूं मैं आप कहो तो उनकी दो पुस्तकें भी याद रखना, जिनके बारे, जिस पुस्तकों में इनके बारे में जिक्र मिलता है, पुस्तकों में जानकारी, किस पुस्तकों में जानकारी लिख दूं मैं आपको, किन पुस्तकों में बाबूजी के बारे में जानकारी मिलती है, तो दो किताबें तो बहुत सारी है, लेकिन पहली किताब बाबू प्रकाश, ये याद रख लेना पहली किताब, और दूसरी जो किताब है बाबूजी रे दोहे, बाबूजी रा दोहा नामक किताब है,
रादुहा, दोहे होते हैं ना उसको दुहा लिख देते हैं। तो एक किताब तो ये पाबू प्रकाश, और इस किताब के जो राइटर है उस किताब के राइटर है आसिया मोड। आसिया जाति है, नारायणों में होती है, मोड। और जो पाबू रादुहा जो पुस्तक है इसके किताब के राइटर है लगराज। दो किताबें। अब देखो ये आई बाबूजी की आपकी कहानी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। वापस मैं बता दूं, बाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड में 1239 में, कोलूमंड में हुआ, फड़ौदी जोधपुर में पड़ता है। पिता का नाम था धनधर देव, पिता का नाम धनधर, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार कंवर, और ये अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। इनके दो चेले चपाटे थे, सहयोगी थे, जिनका नाम था चांदा और डामा, दोनों भील थे। और साथ ही साथ इन्होंने 7 थोरियों को शरण दी थी जो गुजरात के थे। मेला इनका चैत्र अमावस्या को भरता है। बाबूजी की फड़ जो होती है वो भील बोपा बोलते हैं, और उसमें वाद्य यंत्र जो होता है वो होता है रावण हत्था। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? रावण हत्था। और बाबूजी के जो पवाड़े हैं उसमें माट नामक वाद्य यंत्र होता है, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उपनाम है, ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। और इसके अलावा दो किताबें भी अपने को याद रखनी है। पहली है पाबू प्रकाश, जिस किताब में आसिया मोड़ ने लिखी है, और दूसरी है पाबूजी रादुहा। ठीक, ये तो हुई सामान्य से आपकी कहानी पाबूजी की, जो अपने को याद रखनी है। अब देखो अपने को याद नहीं रहता बाबूजी की जो बातें हैं, आप देखोगे तो बाबूजी की 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। बाबूजी की देखो गया तो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण अपने को याद रखनी है। पहली देखो, बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता, मैंने कहा ऊंट रक्षक देवता है। साथ ही बाबूजी जो है, बाबूजी एक ऐसे देवता है, देखो मैं चर्चा समझना आप कि देखो जब भी शादी होती है, पहली बात स्टार्ट करते हैं, जब भी शादी होती है तो अभी वर्तमान में वैसे गीतों में तो गाया जाता है 7 फेरे, के फिल्मों में वो डायलॉग यही मारा जाता है 7 फेरे, लेकिन वास्तव में देखा जाए, अपने राजस्थान में देखा जाए, बाकी का मुझे पता नहीं, राजस्थान में देखे जाते हैं तो 4 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? 4 फेरे होते हैं। 4 फेरों में से 3 फेरों में दुल्हन आगे होती है और 1 फेरे में दूल्हा आगे हो जाता है, कंप्लीट होते हैं। शादी में देखा कि 4 फेरे हो रहे हैं, जिक्र होता है 7 फेरों का, 4 फेरे क्यों होते? इस 4 फेरे के पीछे कौन है? बाबूजी की कहानी, बाबूजी की कहानी सुनाएंगे, कहानी बाबूजी की कहानी, डिटेल रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि बाबूजी बहुत सुंदर थे, बाबू बहुत सुंदर थे, इसकी भी एक कहानी। बाबूजी देखा जाए तो सभी लोग देवताओं में से सबसे सुंदर थे बाबूजी, इसकी कहानी है। और तीसरी है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। कौन से लक्ष्मण? वो राम के भाई जो आप जानते हैं, अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो पहले 4 फेरों की कहानी पढ़े, या बाबूजी की सुंदरता की कहानी पढ़े, या बाबूजी के लक्ष्मण के अवतार होने की कहानी पढ़े, तो सबसे पहले कहानी पढ़ते हैं बाबूजी के सुंदर होने की कहानी। तो देखो कहानी यह है, पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है, पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बाबूजी के बारे में एक सुंदर सी कहानी लिखी हुई है। पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है आसिया मोड़ द्वारा लिखा हुआ, इसमें एक सुंदर सी कहानी है कि बाबूजी के जो पिता थे, या यूं कहे एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग की एक अप्सरा यह कोलूमंड के आसपास एक तालाब के पास आई। राम जाने क्यों ये कहानियां चलती है मुझे पता नहीं है, लेकिन कहानियां जब भी अप्सरा के सुनते हैं तो दो दिमाग में पक्का पहले कहानी सुनने से पहले ही आ जाता है। एक तो अप्सरा सुंदर होती है, और एक अप्सरा जब भी आती है, राम जाने वहां बाथरूम नहीं है क्या नहीं है, कि जब भी होता है वो तालाब में स्नान करने जरूर जाती है। जहां की जब भी आप अप्सराओं की कहानियां सुनोगे, तो हुआ ये कि एक स्वर्ग की अप्सरा कोलूमंड के आसपास आई एक तालाब के पास, और वो रात को उस तालाब में स्नान करने लग गई। उसी समय जो बाबूजी के पिता थे धांधल, वो घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से निकल रहे थे, तो सोचा कि यार तालाब पे घोड़े को पानी पिला लेते हैं। तो घोड़े पर वो तालाब पर पानी पिलाने के लिए जूं रुके, तो उन्होंने देखा कि तालाब के बीच में एक सुंदर अप्सरा है, वो स्नान कर रही है, और बाबूजी के पिता धांधल है उसकी तरफ, अब सुंदर है, तो एकटक उसकी तरफ देखने लग गए।
और उस अप्सरा को ये ध्यान नहीं रहा कि कोई व्यक्ति उसको देख रहा है। थोड़ी देर देखने के बाद में जब उस अप्सरा का ध्यान बाबू के पिता धांधल पर गया, बाबू नहीं थे उस समय, धांधली थे, बाबू के पिता मत कहो आप, तो धांधली थे, तो धांधल की तरफ गया तो वो बड़ी क्रोधित हुई कि आपने मुझे कैसे देख लिया नहाते हुए, देखना नहीं चाहिए था, और यदि आप देख लिया तो मैं मुझ में जो शक्ति थी वापस स्वर्ग में जाने की वो शक्ति समाप्त हो गई किसी प्राय पुरुष ने देख लिया हो तो, अब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। तो बाबू जी के पिता ने कहा कि ठीक है, जो आपको कौन भेज रहा है? बाबू जी के पिता कौन थे? धांधल जी। तो उन्होंने कहा अरे जो ठीक है, मुझसे शादी कर लो आप, यहीं रह जाओ। तो ये उन्होंने कहा, अप्सरा ने कहा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ये रहना है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है मेरे लिए अलग से एक महल बनना चाहिए। तो धांधल जी ने कहा कि ठीक है, राज परिवार से थे, पैसे वाले थे, संपन्न थे, कि ठीक है यार आपके लिए अलग से महल बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। कि दूसरी शर्त है कि मेरे महल में मेरी परमिशन के बगैर कोई नहीं आएगा। कि ये भी ठीक है यार, आप तो रानी बनने वाली हो और रानी बनोगे तो आपके महल में वैसे भी कोई नहीं आएगा। कि कोई से मतलब नहीं है, आप भी आओगे तो आप भी पूछ के आओगे। धांधल जी को बड़ा अजीब लगा, यार मैं भी पूछ के आऊंगा, लेकिन यार इतने सुंदर है तो इसे शादी करनी है। तो दोनों शर्तें मान ली उन्होंने, कौन सी? महल वाली भी, वो तो उन्होंने अलग से उनके लिए महल बनवा दिया और साथ ही महल में चारों तरफ चौकीदार खड़े कर दिए और कि कोई भी अंदर बिना रानी के पूछे बगैर नहीं जा सकता। उसके बाद में धांधल जी और उस अप्सरा से एक पुत्र पैदा हुआ जो कि सकल सूरत में धांधल जी को नहीं, के नाम धांधल जी लग रहा है, तो धांधली थी, गड़बड़ थी, ज्यादा शरीर का सुंदर होने का सवाल नहीं, नाम तो यूं ही लग रहा है, मेरा देखा नहीं, लेकिन नाम यूं ही लग रहा है, धांधल जी को ज्यादा सुंदर नहीं थी। और अप्सरा की एक खास बात होती है कि वो सुंदर तो सुंदर होती ही होती है, तो अप्सरा पे वो बच्चा जो पैदा हुआ, उन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ वो था बाबू जी, और देखने में बहुत सुंदर, बिल्कुल अप्सरा की तरह ये बच्चा हुआ बाबू जी। उसके बाद में कुछ समय बाद में, बाबू जी के जन्म के कुछ समय बाद में, एक दिन वो शर्तें हैं शादी से पहले की जो शर्तें थी अप्सरा की, वो भूल गए बाबूजी के पिता धांधल, और एक दिन अचानक उस महल में चले गए, और जब महल में घुसे तो उन्होंने देखा कि बाबू जो है वो एक शेरनी का दूध पी रहा है, और वो शेरनी और कोई नहीं थी, वो अप्सरा थी। और उस अप्सरा ने जब बिना परमिशन के बाबूजी के पिता धांधल के प्रवेश होने से वो बहुत नाराज हुई और कहा कि आपने वो दोनों शर्तें तोड़ दी है, महल वाला तो ठीक थी लेकिन एक शर्त जो ये थी कि आप पूछ के आओगे, आज आप बिना पूछे आए आपने शर्त तोड़ दी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग जाना पड़ेगा। और उसके बाद में वो बाबू को छोड़ के स्वर्ग चली गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि मेरी एक इच्छा थी कि इस बच्चे को मैं गोद पे खिलाऊं, वो इच्छा दबी की दबी रह गई और ये कह के वो चली गई। और कहते हैं कि वही अप्सरा बाद में एक घोड़ी के रूप में आई और उसी घोड़ी को बोलते हैं केसर काल में घोड़ी, और उसने इच्छा अपनी पूरी की पीठ पे बैठाकर बाबूजी की। केसर कालमी की कहानी आई, सुंदरता की कहानी आई, केसर कालमी की कहानी आई। दूसरा बाबूजी को बोलते हैं लक्ष्मण का अवतार। तो लक्ष्मण भगवान राम के भाई जो लक्ष्मण थे, और राम और लक्ष्मण को वनवास मिला हुआ था 14 वर्ष साल का, और सीता के साथ में वो वन में रहते थे। और आपने कहानी सुन रखी होगी, एक राक्षसनी थी जिसका नाम था शूर्पणखा, शूर्पणखा हिंदी में, हिंदी शब्दावली में भी आपको शुद्ध लिखने में जोर आएगा शूर्पणखा। तो शूर्पणखा ने जब जंगल में दो राजकुमारों को देखा, एक राम थे बड़े सुंदर थे, एक लक्ष्मण थे, दोनों सुंदर थे, तो शूर्पणखा ने सोचा कि यार इस जंगल में जो राक्षस राक्षस जिनके शींग पड़े हैं मोटे मोटे, बड़ी बड़ी मूंछें, कहाँ सुंदर है, ये दो राजकुमार बड़े सुंदर है, तो इन्हें मैं से शादी कर लूँ मैं। तो राम के पास वो गई और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम ने कहा कि हमारी तो शादी हो गई, सीता जी बैठी है, ये एक शादी है, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। तो शूर्पणखा ने सोचा कि चलो एक राजकुमार पर ट्राई किया, कोई बात नहीं है, चलो ढूंढते हैं किसी दूसरे राजकुमार, वो भी तो एक और साथ में था। तो उस समय लक्ष्मण बैठे थे एक तालाब के पास, और उसको ढूंढते ढूंढते शूर्पणखा वहाँ लक्ष्मण के पास चली गई और कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहूँगी, शादी करूँगी, शादी करना नहीं चाहूँगी, मैं करूँगी आपसे शादी, ये कहा। तो लक्ष्मण ने पीछा छुड़ाने के लिए उस तालाब के चारों तरफ भागने लगा लक्ष्मण, और पीछे पीछे शूर्पणखा भी उसके पीछे पीछे भागने लगी, लक्ष्मण आगे, राक्षसनी पीछे, लक्ष्मण आगे वरमाला लेके कि मैं अब गले में डालूँ और उस तालाब के चारों ओर चक्कर, आगे लक्ष्मण पीछे वो शूर्पणखा। लक्ष्मण की जीभ निकल गई, पीछे पीछे वो राक्षसनी दौड़ रही थी, लक्ष्मण हाँपने लगा, और जब चार चक्कर लगा लिए
तो बिल्कुल पकड़ने वाली थी लक्ष्मण को, माला डालने वाली थी, लक्ष्मण ने चाकू निकाला और उस सरपण खा के नाक काट दी। ये आपने रामायण में सुना हो। तो सरपण का बड़ी नाराज हुई, बड़ी दुखी हुई कि यार ये क्या कर दिया, नाक काटने का तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं को तुझे मारने थोड़ी आई थी, मैं तुमसे युद्ध करने थोड़ी, मैं तो शादी तो कर रही थी आपसे। तो लक्ष्मण ने मुझसे कहा था कि जब कलयुग आएगा तो मैं बाबू राठौड़ बनूंगा और तू बनेगी सुप्यार कंवर, और हमारी शादी के ये जो तीन फेरे, चार फेरे अभी आपने तालाब पे ले लिए हैं, और जो तीन फेरे हैं वो कलयुग में हम पूरे करेंगे। तो इस वजह से इनको किसका अवतार बोला जाता है, लक्ष्मण का अवतार। अब चार फेरों की कहानी सुन लीजिए, चार फेरों की कहानी या देवल तीन फेरों की कहानी, चार फेरों की समझ गए, तीन फेरे लिख देता हूं मैं, या तीन फेरों की कहानी समझना आप, तीन फेरे क्या थे, तीन फेरों की कहानी सुनना आप। तो अब बाबू की सगाई हुई अमरकोट में, और पिता का नाम था उस लड़की का जिसका जिसे सगाई हुई थी, यूं कहे बाबू जी के ससुर का नाम था अमरकोट का छोड़ा राजपूत जिनका नाम था सूरजमल। यह आपने पढ़ रखा है सूरजमल, मैंने बताया था अभी आपको याद होगा, सूरजमल राठौड़ से इनकी सगाई हुई थी। अब देखो इसकी क्या कहानी है, देखो यहां मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा, सुप्यार कंवर फुलमदे के साथ इनकी सगाई हुई थी अमरकोट में, और अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा वहां के राजा थे, उनकी पुत्री थी फुलमदे या सुप्यार कंवर। अब देखो फुलमदे और सुप्यार कंवर के साथ जब सगाई हुई और उसके बाद में शादी का जब समय आया, तो मैंने कहा बाबू सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, आकर्षक थे, बिजलियां गिराने वाले लड़के थे, जवान हुए, शादी का समय आया तो जब नहा धो के दूल्हे बने, शादी से पहले 5-7 दिन उपटन लगाते हैं, पीटी वीटी लगाते हैं, तो फिर पहले भी सुंदर अप्सरा का बेटा था, बहुत सुंदर था, और उसके भाई पीटी वीटी लगा के शानदार नई ड्रेस पहन के ऊपर वो साफा आफा लगा के एकदम टिप टॉप हो गए, तो फिर तो उनकी सुंदरता और बढ़ गई। तो गांव में देखे तो बाबू ही बाबू था, बाबू बहुत सुंदर लगने लगा। बारात की तैयारी हुई, दूल्हा बन गया, बारात की रवानगी होने लगी, तो बाबू घोड़ी पर बैठ के बारात की रवानगी होने लगी, तो बाबू के साथ में उनके दो और दोस्त थे, मैंने कहा चांदा और डामा। तो उनसे दूल्हा होता है, पूछ ही लेता है कि कैसा लग रहा हूँ, कि यार भाई साहब जबरदस्त सुंदर लग रहे हो आप, कोई कमी नहीं है, एक कमी रहेगी। चांदा ने कहा कि यार एक कमी रहेगी। तो बाबू जी ने कहा यार कमी क्या रहेगी, मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ, और आज और नहा धो के सेंट वेंट डाल के आया हूँ, कौन सी कमी रहेगी। कह रहा आप जिस घोड़ी पे बैठे हो ना, वो घोड़ी जम नहीं थी, बाबूजी के पास एक घोड़ी थी लेकिन ज्यादा कोई शानदार नहीं थी, कि घोड़ी है ना आपके अनुसार नहीं, आप कहाँ रही, कहाँ ये घोड़ी यार जम नहीं रही। बाबूजी ने कहा यार क्या किया जाए, घोड़ी तो अपने पास यही है, इसी पे जाना है अपने को। तो सरदार डामा ने कहा कि यार अपने गाँव में एक चारणी है, देवल चारणी, उसके पास एक घोड़ी है जिसका नाम है केसर काली, बड़ी सुंदर घोड़ी है, वो मिल जाती ना फिर देखते आप सुंदर घोड़ी और सुंदर शानदार हट्टी कट्टी घोड़ी और उस पर आप फिर जाओगे अमरकोट, तो फिर तो देखना आप अमरकोट में ऐसा दूल्हा कभी आया न आएगा। तो यार चांदा डामा को कहा कि यार आप जाके ले आओ एक दिन के लिए उधारी, अपने को कौन सी अपने पास रखनी है, कल शादी हो जाएगी वापस दे देंगे, मांग लाओ। तो जब चांदा और डामा देवलचारणी के पास गए, तो देवलचारणी ने कहा कि नहीं नहीं मैं घोड़ी नहीं दे सकती आपको, घोड़ी मेरे लिए बहुत काम की है। तो चांदा ने कहा घोड़ी एक दिन ही तो मांग रहे हैं, कल शादी होगी वापस। देवलचारणी ने कहा कि नहीं घोड़ी मैं जो गायें पालती हूँ, पुराने जमाने में एक ही व्यवसाय होता था ज़्यादातर गायें पालना, और दूसरे जो गायें नहीं पालते थे वो गायें लूटते थे, दो बिजनेस, या तो गाय पालना और या फिर गाय को लूटना। तो देवल साहब ने कहा कि मेरी गाय जो केसर कालमी है उससे मैं अपनी गायों की रक्षा करवाता हूँ, कोई लुटेरा आ गया तो इस पर बैठा आदमी है तुरंत गांव में संदेश दे देता है और वहां से लोग बाग जाके छुड़ा लेते, नहीं तो लूट लेंगे गायों को, इसलिए मैं गायें नहीं दे सकती। चांदा डामा का मन तो बड़ा हुआ कि यार इसको भी केसर काल में कोई लूट के हम दूल्हे को बैठा दे, बाबूजी को बैठा दे, लेकिन थोड़ा ठीक थे, भील थे दोनों। तो वापस बाबूजी के पास आए, मुंह लटका के, यार बाबूजी बैठी नहीं बात, तो देवलचारणी तो कह रही कि मेरी गायों की रक्षा नहीं होगी, क्या पता को लुटेरे आ जाए, डकैत आ जाए, तो क्या करें। डामा ने कहा यार बाबूजी एक बार आप जाके मांग लो, कि आप जाओ एक बार, और क्या पता हमें नहीं दी हो, आपको, आप राजकुमार हो, आप बड़े व्यक्ति हो, तो आपको मना नहीं करे वो, एक बार आप कोशिश कर लो, शायद दे दे क्या पता। तो बाबूजी खुद गए उसके बाद में, और कहा जाता है कि बाबूजी ने कहा
कि देवलचारणी को कहा कि आपकी गायों की रक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, जब भी आवश्यकता होगी कोई लुटेरा आ भी गया तो मैं उनको छुड़वाने की जिम्मेदारी लेता हूं। बाबूजी ने कह तो दिया ये बात, उसको लग रहा था कि कौन से यार, कल एक दिन की बात है, कल शादी हो जाएगी वापस दे देंगे, ये जाने इनका काम जाने। देवलचारण ने कहा चलो ठीक है, लेकिन शर्त है कि मेरे गायें लुटनी नहीं चाहिए, कोई डकैत आके ले जाए नहीं, ये ध्यान में रखना, और जब भी मैं बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, ये नहीं कि वहां लड्डू खा के आराम से बैठे रहो और इधर मेरी गायें लूट ले कोई। बाबूजी ने वादा कर लिया कि आपकी गायों की गारंटी मेरी, तो उसके बाद में देवलचारण ने वो गायें दे दी, सॉरी घोड़ी दे दी केसर काल में, और उसके बाद में बाबूजी दूल्हा बन के शानदार घोड़ी पे बैठ के शानदार बरात गई। मैंने कहा था आपको कि ऊंट रक्षक देवता, या मारवाड़ में यूं कहे राजस्थान में ऊंट लाने वाले व्यक्ति थे बाबूजी। अब देखो ये हुआ क्या कि जो बाबूजी थे, मैंने कहा ऊंट रक्षक देवता है, ऊंट लाने वाले भी वो ही थे, ऊंट रक्षक देवता कह दो, ऊंट लाने वाले वो कह दो, आपकी जो इच्छा। तो मारवाड़ में पहले ऊंट वो ही लाए थे, उनका एक जो लाए थे उनका एक बहनोई हुआ करता था जिंदराव खींच, याद रख लेना जिंदराव खींच, अपने नागौर में जायल जो है वहां का जागीरदार था, जायल का कहां पड़ती है नागौर में। और ये था बाबू का बहनोई, लेकिन बाबू के परिवार वाले और जिंदराव खींची के मध्य आपस में तनाव था, शादी संबंध बढ़ने के बाद में, उसकी बहन के शादी होने के बाद में जिंदराव खींची के और बाबूजी के नहीं बनती थी, बाबूजी के परिवार वालों के नहीं बनती थी, एक दो बार पहले झगड़ा हो चुका था। अब इधर बाबूजी दूल्हा बन के केसर कालमी पर बैठ के जूं ही बारात लेकर अमरकोट गए, जिंदराव खींची को पता चल गया कि आज तो गांव का लोग हैं वो बारात में जीम रहे हैं, गांव में कोई है नहीं, पीछे से महिलाएं हैं वो टूटियां खेल रही है, तो इस मौके पे गांव में क्यों ना हम लूटमार कर ले। तो जिंदराव खींची कुछ सैनिकों के साथ कोलुमंड आया और सबसे पहले देवलचारणी की जो गायें थी उनको लूट लिया। देवलचारणी की जो गायें हैं वो लूटते ही देवलचारणी वहां से भागी, अपना संदेश पहुंचाया अमरकोट, और अमरकोट पहुंचकर कहा कि यहाँ क्या फेरे कर रहे हो, मैंने कहा था ना मेरी गाय लूट लेगा, और वो जिंदराव खींची आपका बहनोई गाय लूट के ले गया और आप यहाँ बैठे बैठे फेरे खा रहे हो। उस समय बाबूजी ने 3 फेरे कंप्लीट किए थे, बाबूजी ने उसी फेरों के बीच में से उठकर देवलचारणी की गायों को बचाने के लिए जिंदराव खींची से युद्ध किया, और जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और वो वर्ष था 1276, वो जगह थी देचू गांव, 1276 ईस्वी में देचू गांव है, वहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की, देचू में 1276 में वीरगति प्राप्त की। ये देचू गांव पड़ता है जोधपुर में, आप सबको पता होगा जोधपुर में पड़ता है, तो इन्होंने यहां पर वीरगति प्राप्त की। यह थी आपके बाबूजी की कहानी, मैंने बात की थी, कुछ मैंने बातें की थी, ध्यानपूर्वक देखना आप। एक बाबूजी का चित्र है, यह मैंने कहा था, मैंने कहा बाबूजी के पवाड़े जब पड़े जाते हैं तो उसमें एक वाद्य यंत्र बजता है, उसको बोलते हैं माठ। ये माठ क्या होता है, एक मटकी का आकार का होता है और ऊपर क्या चमड़े से ढक दिया जाता है, तो ढोलक की तरह जो बजता है ये वाद्य यंत्र है माठ। यह बाबूजी के पवाड़े गा रहे हैं, ये आपके पीछे चित्र दिख रहा है। एक मैंने जिक्र किया था बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ ऐसे कपड़े पे होती है, रावण हत्था बजाते हुए इंगित करते हुए जो चित्र दिख रहे हैं धुंधले धुंधले से, ये चित्रों को इंगित करते हुए ये बारात जा रही है, केसर काल में घोड़ी है, घोड़ी पे बैठा है, इस प्रकार के गीत गाते हुए जीवन चित्रण किया जाता है वो होता है फड़, जबकि पवाड़े जो होते हैं केवल वीरता के उद्घोषक होते हैं। तो बाबूजी की कहानी ये थी, सिंपल सी कहानी। अगले भाग में हम देखेंगे एक अलग देवता, जो 5 पीरों में से दूसरे जो पीर माने हैं वो है रामदेव, इनका भी ससुराल अमरकोट था। तो ये किस क्या हुए, यूं कहे तो साडू भाई हो गए, तो इन साडू भाई का जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि चैनल पर नए हो तो जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।